उदय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा वंडरर। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। आप सभी को बंगाली न्यू ईयर का शुभेच्छा और अभिनंदन। आज 16 अप्रैल, कल हमारा न्यू ईयर था। एक्चुअली मैं ये काफ़ी दिन से सोच रहा था साउथ मुंबई का नाइट टूर करें, पर प्लान नहीं बन रहा था। आज निकल पड़े। प्लान है ईस्टर्न फ्रीवे के थ्रू गेट ऑफ इंडिया, उसका सराउंडिंग एरिया, नरीमन पॉइंट, मरीन लाइंस, काला घोड़ा, ये सब एरिया। लेट्स सी, आज आईपीएल का मैच भी है वानखेड़े स्टेडियम पे, ट्रैफिक होने का पूरा चांस है। पनवेल से जो गेट ऑफ इंडिया है या कुलाबा है वो पड़ता है करीब 55 किलोमीटर। सो वी आर ट्रेवलिंग 55 किलोमीटर डाउन टू द टाउन। रोड तो अच्छा है, सिटी का रोड अच्छा है, ट्रैफिक मिलेगा हमें, बाकी तो ठीक है। देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। अभी हम लोग साइन पनवेल हाईवे पकड़ के जा रहे हैं। चेंबूर से हम फ्रीवे लेंगे, फ्रीवे लेके फिर सीधा सीएसटी का बस पहुँचेंगे। एक बार फ्रीवे मिल गया तो नॉर्मली फ्रीवे में ट्रैफिक नहीं होता है। ये है भाषी ब्रिज, ये बेसिकली मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करते हैं। बीच में खाड़ी है, मीन समुंदर है, ट्रैफिक तो है आज। ये काम चल रहा है, मेट्रो का शायद बन रहा है। ये एक टनल है, वडाला टनल है, मुंबई सिटी घुसने से पहले थ्रू फ्रीवे है, ईस्टर्न एक्सप्रेस फ्रीवे इस रोड का नाम है, यहाँ पे पड़ता है ये टनल। ये MMRDA ने बनाया है ये टनल। अगर आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सारे नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। और ये है फ्रीवे। फ्रीवे इसको इसलिए बोलते हैं, इस रोड पे कहीं पे भी बम्प नहीं है और बाइक्स वगैरह अलाउड नहीं है, कहीं पे हॉल्ट नहीं है, बीच में सीधा ऊपर ऊपर से लेके जाके मैक्सिमम जगह पे ये फ्लाईओवर ही है, ऊपर से बनी है, हाइट से एलिवेटेड है, पूरा रोड एलिवेटेड है और सीधा आपको मुंबई में सीएसटी का पास जाकर ड्रॉप करता है। इसीलिए इसका नाम रखा है। एक बॉम्बे में 3 आर्टेरियल रोड एंट्री मारता है, बाहर से एंट्री करता है। एक है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो गुजरात का साइड से घुसते हैं, एक होता है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो सेंट्रल पोजीशन से कल्याण होके नागपुर वाला साइड, नागपुर नासिक से कल्याण होके घुसता है, और तीसरा है साइन पनवेल हाईवे, ये घुसता है पूना होके। तो ये जो साइन पनवेल हाईवे है इसका लोड कम करने के लिए चेंबूर से ये ईस्टर्न फ्रीवे बनाया है ताकि ट्रैवल टाइम और कम हो जाए। पनवेल से मुंबई का जो ट्रैवल टाइम है वो करीब पहले 1.5 घंटा से ज़्यादा था, 1.5 घंटा पौने 2 घंटा लगता था। ये फ्रीवे बनने का बाद ये ट्रैवल टाइम कम हो के करीब 1.25 घंटा हो गया है। 1.25 घंटे में ये मुंबई सीएसटी पहुंचा देता है। और ये सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है ये है लोधा न्यू कॉर्पोरेट, ये बिल्डिंग्स। ये हम वडाला के ऊपर से जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में ये जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे अभी भी ऑयल इंडस्ट्रीज जो रिफाइनरीज है, कुछ रिफाइनरी है क्योंकि लेफ्ट साइड में सी भी है और यहाँ पे आगे एक जेटी भी है, तो ये कुछ रिफाइनरीज हैं यहाँ पे। और बाकी पूरा वेटलैंड्स है, जंगल है, वेटलैंड्स है, समुंदर का खाड़ी है, ये पूरा लेफ्ट में ही है और राइट में है मुंबई सिटी। अगर आपको दिख रहा है ये वडाला एरिया है मुंबई सिटी। बहुत ही सुंदर रास्ता है, एकदम फ्री है, तो एक्चुअली फ्री वे है।
बॉम्बे सिटी देख कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। रात का जो नज़ारा है ना कुछ डिफरेंट होता है, दिन में कुछ डिफरेंट होता है, रात को कुछ और ही होता है। बाकी सब कुछ अंदर अंदर दिखता है, लेकिन लाइटिंग लाइटिंग बहुत अच्छा दिखता है। ये हो रहा है फ्रीवे, अभी नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतर के एंड हो जाएगा एंड वी हैव रीच्ड द सीएसटी एरिया। 5 मिनट में सीएसटी स्टेशन भी आ जाएगी। सीएसटी है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई रेल स्टेशन। ये हो गया एंड ऑफ ईस्टर्न एक्सप्रेस फ्रीवे। ये राइट में एक चार्च है, इस चार्च का नाम बोले सेंट कैथेड्रल चार्च, बहुत पुराना चार्च है ये वाला सेंट कैथेड्रल। और लेफ्ट में है लायन गेट। ये है गेटवे ऑफ इंडिया, आज लाइट ऑफ है, पता नहीं आज क्यों ऑफ करके रखा है। 16 अप्रैल है आज, रमजान चल रहा है शायद। और ये जो दूर दिखाई दे रहा है ये है जो बीच में है, ये है ओल्ड ताज, और ये बाजू वाला है नया ताज। ये रात का जो गेट ऑफ इंडिया का कैंपस है, सराउंडिंग है, उसका व्यू है। मैं एक बार गेट ऑफ इंडिया के पीछे जाके भी दिखाऊंगा आपको, समुद्र कैसा दिख रहा है रात को, वो मैं दिखाता हूँ। ये जो रोड है ये रेडियो क्लब रोड बोलते हैं इसको, आज होटल और समुद्र के बाजू बाजू में जाते हैं। ये पानी बीच है, ये जो बहुत सारे रात को यहाँ पर पार्क किया जाता है, सारे बोट्स इधर पार्क होते हैं। गेट ऑफ इंडिया, चांद दिख रहा है। ये हमारे जो मूर्तिमान मास्क खोल नहीं रहे हैं। ये जो हार्बर है यहाँ से अलीबाग के लिए, मांडवा के लिए बोट जेट यहीं से छोड़ते हैं बोट्स। ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रहा है ये पुलिस हेडक्वार्टर का बैक साइड, और ये साइड में जो अभी सामने है ये नेवल सिटी कंट्रोल है। ताज बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा। ये है मुंबई का फेमस बड़े मियाँ, ये एक यहाँ पे है, और ये अभी इनका आउटलेट भी खुल गया बड़ा सा रेस्टोरेंट जैसा, शेडिक लाइब्रेरी का पास। मेरी इनिशियल वाला है अभी ऐसा, उन्होंने पहले ठेले पे थे, अभी वस्त्र दुकान बना लिया। ये गोकुल बार, ये भी काफ़ी फेमस बार है, बहुत पुराना है ये सब। Thank you.
रोटी का साइज देखो और ये चिकन का साइज है, इसीलिए हम यहाँ पे ये प्राइस बढ़ा दिया पर साइज वही मेंटेन कर रहे हैं। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्त्र संग्रहालय, बेसिकली प्रिंस ऑफ वॉलेस म्यूजियम जो इनका पहले वाला नाम था, अभी रात है बंद है। इसका 100 ईयर्स पूरा हुआ है लेकिन ये सुबह खुला रहता है, अभी तो खुला नहीं है। अंदर से इसको दिखा देता हूँ, ये अभी लाइटिंग किया हुआ है, वेरी नाइस बिल्डिंग। ये दूरों दिख रहा है ताज, ये है रिगल चौक, इसका नाम है रिगल सर्कल, रिगल आपको दिखाया। वो दिख रहा है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। देख लेंगे, रात का बॉम्बे। अभी आ रहा है जहांगीर आर्ट गैलरी, राइट साइड में आएगा, ये उसका कैफेटेरिया है अंदर अंदर। ये कॉलेज है, हाँ ये होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी है, होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी मुंबई। ये जहांगीर आर्ट गैलरी, सब बंद है फिर भी आई विल शो यू। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में एक फेमस आर्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई फेमस आर्टिस्ट का एग्जीबिशन चलते रहता है। अगर आप आर्ट लवर है तो जब भी मुंबई आए ये मिस मत करना। ये जो है इस 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 दुकान का नाम देख, ल्यून्ड एंड ब्लॉकली ऑप्टिशियंस, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और राइट में जो इल्यूमिनेटेड बिल्डिंग है वो आर्मी नई बिल्डिंग है, ये डेविड एंड सासून लाइब्रेरी है जो सामने है, और डेविड एंड सासून लाइब्रेरी। और नीचे जो ल्यून्ड एंड ब्लॉकली ऑप्टिकल्स है बहुत पुराना है, हम लोग आए थे तभी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा 89 में देखा था पहली बार, तब भी ऐसे ही था। ये चौक जो है ना इसको बोलते हैं काला घोड़ा चौक, इसका काला घोड़ा चौक नाम इसलिए है कि आपको दिखाता हूँ इसका काला घोड़ा। ये काला घोड़ा पता नहीं अभी सफ़ेद कैसे हो गया है, फेस्टिवल होता है बड़ा। हाँ यहाँ पे फेस्टिवल भी होता है। ये पार्किंग लॉट है जहाँ पे हमारा गाड़ी पार्किंग है, और यहाँ का पार्किंग चार्ज सुन के आपको थोड़ा सा चक्कर आएगा, पार्किंग चार्ज है 1 घंटा से ज़्यादा 200 रुपया, 1 घंटा 100 रुपया, सीधा सीधा हिसाब है। स्पिरिट ऑफ काला घोड़ा, काला घोड़ा चौक इसका ही नाम है। यहाँ पे साउथ बॉम्बे कल्चरल फेस्टिवल भी होता है। ये है वही फेमस काला घोड़ा, जब ग्रिल प्रॉपर चिमनी, ये रास्ता सीधा लायन गेट की तरफ। ये जहांगीर आर्ट गैलरी का विशाल बाउंड्री।
ये है नारीमन पॉइंट और हम नारीमन पॉइंट से, ये एंड ऑफ नारीमन पॉइंट है, यहाँ से हम यू टर्न ले रहे हैं। ये आगे जो लाइट दिख रहा है वो वानखेड़े स्टेडियम का है, आईपीएल चल रहा है, उसके लिए काफ़ी भीड़ लगे हुए हैं, काफ़ी ट्रैफिक है। It is a bank of building office. टर्मिनस जो मुंबई का मेन रेल स्टेशन है, पहले इसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनस, अभी है शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। अभिषेक गाड़ी चला रहा है, ये टाटा पावर का बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग टाटा पावर। ये डॉकेट का गेट है, येलो गेट। Thank you.
जो लाइटिंग दिख रहा है वो मुम्बा देवी टेम्पल का है। ये वो मुम्बा देवी टेम्पल है। ऑन द वे बैक हम लोग सेम रूट फॉलो किए। आज का नाइट टूर हमें तो बहुत अच्छा लगा, आशा करता हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको सारे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, टेक केयर, गुड बाय।